हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाबाज एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल विदिक जागरूकता। पिछली वीडियो में आपने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया। हम एक लेक्चर सीरीज जो आपके लिए लेके आए थे, उसका पहला लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम दूसरे लेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, जो हमारा दूसरा लेक्चर है, ये बेसिकली सेक्शन वन, सेक्शन टू और जो जिस पार्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बांटा गया है, उसके बारे में है। तो चलिए चालू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर्स और सेक्शन वन और सेक्शन टू के बारे में। सबसे पहले आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, हमने लिखा है एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872, अर्थात जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ये 1872 में पास होने वाला नौवां अधिनियम था। मतलब इस साल बहुत सारे एक्ट पास हुएंगे और ये ऐसा अधिनियम था जो नौवें नंबर का अधिनियम था जो इस साल पास हुआ था। दूसरी बात, जो दो डेट्स लिखी हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स है। पहली डेट है 25 अप्रैल 1872, ये ऐसी डेट है जिस दिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को असेंट अर्थात अनुमति प्रदान की गई थी। इसके बाद दूसरी डेट आती है 1 सितंबर 1872, इस डेट को जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, इसे पूरे इंडिया में लागू कर दिया था, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। लेकिन अभी आपको पता होगा, जब से धारा 370 हटी है, उसके बाद से एक अधिनियम आया है, उसके माध्यम से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल कर दिया गया है। इसके बाद आप कुछ और चीज़ें देख सकते हैं, जैसे ये बेसिक चीज़ें जिसके बारे में बात करने वाले, इसके बाद डायरेक्ट हम सेक्शन वन और सेक्शन टू में जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, आज हम आपको सेक्शन टू इस प्रकार से पढ़ाने वाले हैं विद एग्जाम्पल, कि अगर आपने वो एग्जाम्पल पढ़ लिया तो आप वो डेफिनेशन को कभी नहीं भूलेंगे। तो देखते हैं सब्सटेंटिव इन नेचर, मतलब देखिए हर लॉ होता है वो दो प्रकार का होता है। तो जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ये इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है सब्सटेंटिव, क्योंकि एक प्रोसीजर लॉ होता है, एक सब्सटेंटिव, ये सब्सटेंटिव नेचर है। एक हम पॉइंट ऊपर भूल गए थे, इट इज अ सिविल लॉ। इस लॉ का नेचर क्या है? ये सिविल नेचर का लॉ है, ये सिविल नेचर का लॉ है और जो बेसिकली कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को कवर करता है। इसके बाद आप देख सकते हैं इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खुद में संपूर्ण नहीं है, अर्थात कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं लेकिन वो इस अधिनियम के बाहर है। जैसे आप सेल्स ऑफ गुड एक्ट देख सकते हैं और आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस है लेकिन वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर नहीं करता। इसके बाद इसका इफेक्ट कैसा है? इसका इफेक्ट रेस्ट्रोपेक्टिव नहीं है, अर्थात इस अधिनियम को बैक डेट से लागू नहीं किया जा सकता। अब आप बोलोगे इस अधिनियम को बैक डेट से क्यों लागू नहीं किया जा सकता? इसके पीछे मुख्य वजह है क्योंकि ये एक सब्सटेंटिव नेचर का लॉ है। इसके बाद हम देखते हैं, हमने इनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, यहाँ याद रखिएगा ये चैप्टर्स में डिवाइड नहीं किया, हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में तो पार्ट्स तो है ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने समझने के लिए आपको बताया है। अब देखिए, जो पहला पार्ट है आपका, ये आता है जनरल प्रोविजंस के बारे में बात करता है और ये सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 कवर करता है और यहाँ पे जनरल प्रोविजंस बताए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में। फिर ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में। अब स्पेशल प्रोविजंस में क्या क्या आता है? सेकंड, इंडेमनिटी और गारंटी, जो सेक्शन 124 से लेकर 147 बताई गई है, अर्थात क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूर्ति की संविधाएं किस प्रकार से होती हैं, इनको कैसे किया जाता है, ये सारे प्रोविजंस आपको यहाँ पे बताए गए। इसके बाद बेलमेंट ऑफ प्लेट्स क्या होता है, अर्थात उपनिधान और गिरवी क्या होता है, इसके प्रोविजंस आपको सेक्शन 148 से लेकर 181 तक बताए गए हैं। और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है, एजेंसी कैसे गठित होती है, अभिकरण का निर्माण कैसे होता है, इसके प्रोविजंस आपको सेक्शन 182 से लेकर 238 तक बताए गए हैं। दूसरी बात, जब आपका 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था, उस समय दो चैप्टर्स आपके और थे, लेकिन इन दो चैप्टर को अलग-अलग समय पर अलग-अलग एक्ट के माध्यम से रिपील कर दिया गया। अब हम देखते हैं, पहला जो सेक्शन 76 से लेके 123 थी, इनको सन 1930 में सेल्स ऑफ गुड एक्ट के माध्यम से रिपील कर दिया गया। और आज की डेट में जो सेल्स ऑफ गुड है कि अलग से अधिनियम है, इसीलिए हमने बोला था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका एग्जॉस्टिव नहीं है क्योंकि इसके कुछ प्रोविजंस बाहर भी मिलते हैं। सेक्शन 239 से लेके 266, इसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के माध्यम से रिपील किया गया। पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल 266 सेक्शंस हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में यहां पर 238 सेक्शंस पाई जाती है और इसके जो दो चैप्टर्स हैं, इनको अलग अलग समय में अलग अलग अधिनियम के माध्यम से रिपील कर दिया गया था। चलिए अब हम इसकी देखते हैं सेक्शन 1 के बारे में। सेक्शन 1 क्या कहती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की?
तो सेक्शन वन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड कमिशमेंट और सेविंग के बारे में। अब शॉर्ट टाइटल अर्थात इसके नाम के बारे में, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहा जाएगा। दूसरी बात करता है इसका एक्सटेंड, एक्सटेंड अर्थात इसका विस्तार, ये कहां कहां तक लागू होगी। तो जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पहले 1872 में बना था तो इसका एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में था, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं उस समय जम्मू कश्मीर था कहां, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो जम्मू कश्मीर को छोड़ के हमारे ये पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल था। लेकिन अभी आर्टिकल 370 जैसे रिमूव हुआ है तो उसके बाद इसका एक्सटेंड आपका इंडिया के हर हिस्से में हो गया, अर्थात जम्मू एंड कश्मीर में भी इसका एक्सटेंड हो चुका है। तो पहले इसका एक्सटेंड जम्मू कश्मीर को छोड़ के था, अब इसका एक्सटेंड जम्मू कश्मीर भी हो चुका है। इसके बाद कमिशमेंट, कमिशमेंट अर्थात किस डेट को उसको लागू किया गया, तो ये 1 सितंबर 1872 से इसको लागू किया गया था, तो ये डेट हो गई कमिशमेंट की। और आखिरी सेविंग क्लॉज, सेविंग अर्थात ये अधिनियम किन किन चीजों को बचाता है या किन किन पर ये इफेक्ट नहीं डालता। तो सबसे पहले नॉट इफेक्ट स्टैटिट्यूट, ये किसी स्टैटिट्यूट पर या एक्ट या रेगुलेशन, अधिनियम या विनियमन पर जिसको एक्सप्रेसली मतलब अभिव्यक्त रूप से जिसको रिपील्ड नहीं किया गया, निरस्त नहीं किया गया, उस पर ये अधिनियम कोई प्रभाव नहीं डालेगा। और अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड कस्टम, ट्रेड से रिलेटेड कोई कस्टम या यूसेज है और वो डायरेक्टली किस पर इफेक्ट नहीं करती, इस एक्ट के प्रोविजन के इनकंसिस्टेंट नहीं है, समझिए कहीं पे कोई रूढ़ी है, कोई प्रथा है जो बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन वो रूढ़ी या प्रथा इस एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं जाती, तो ये एक्ट कहता है वो रूढ़ी अपनी लागू रहेगी और ये अधिनियम अपना लागू रहेगा, मतलब दूसरे ये अधिनियम उसको इफेक्ट नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 2 के बारे में। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 2 है ये डेफिनेशन क्लॉज के बारे में बात करती है। आप देख सकते हैं यहाँ सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। आज हम आपको अलग तरीके से ये डेफिनेशन क्लॉज पढ़ाने वाले हैं क्योंकि जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें आपको हर चीज़ को अलग प्रकार से एबोरेट करेंगे। जैसे प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल को डिस्क्रिप्टिव रूप में पढ़ेंगे, तो आज हमने सोचा है कि आज हम इनको वर्ड टू वर्ड ना पढ़ते हुए आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करें कि एक एग्जाम्पल में ये सारी चीज़ें कैसे हम इनको फिट कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाले हैं कि ये डेफिनेशंस वर्क कैसे करती हैं और एक कोई कॉन्ट्रैक्ट तक कैसे पहुँचता है। तो सबसे पहले हम दो व्यक्तियों को ले लेते हैं, एक व्यक्ति जिसका नाम होगा ए, एक व्यक्ति होगा जिसका नाम होगा बी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन उठाते हैं, डेफिनेशन वन, जो आपकी डेफिनेशन वन है वो बात करती है प्रपोजल की। अब प्रपोजल की पूरी लैंग्वेज आप पढ़िए तो उसमें समझ में आता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर, जब एक व्यक्ति अपनी अनुज्ञप्ति मन की दूसरे व्यक्ति को तक पहुंचाता है इस आशय के साथ टू डू एनीथिंग और टू एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, इसे हम बोलते हैं जनरल भाषा में प्रपोजल। अब हम देखते हैं, समझिए ए नाम का व्यक्ति ये मैं हूं, ए नाम का व्यक्ति मैं हूं और एक ये व्यक्ति बी है। अब होता क्या है समझिए, मुझे ये अपना पेन बी को बेचना है तो मैं बी से क्या बोलूंगा कि बी भैया मैं आपको ये पेन बेचना चाहता हूं, क्या आप इस पेन को खरीदना चाहेंगे। तो ये जो मैं अपने मन में, क्योंकि मेरे मन में क्या था पेन को बेचना, तो जो मेरे मन की बात है मैं जो बी तक पहुंचा रहा हूं कि मैं आपको पेन बेचना चाहता हूं, तो जो मैंने ये पेन बेचने के लिए बी तक ये बात पहुंचाई अपने मन की, तो ये मैंने कोई उससे कार्य करने के लिए बोला, एब्सटेंट भी हो सकता था कोई कार्य ना करने के लिए, मैं बोल रहा हूं कि आप इस पेन को खरीदिए, तो ये जो मेरे द्वारा किया जा रहा है ए नाम के व्यक्ति के द्वारा, इसी को हम बोलते हैं प्रपोजल। जब एक व्यक्ति अपनी मन की चीजें दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, जो अब यहां किस प्रकार की चीजें पहुंचाएंगी, यहां पे जो मन की चीजें पहुंचाएंगी वो बिजनेस के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी क्योंकि ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है। अब हम आप एक एग्जांपल दें, जैसे समझिए एक व्यक्ति हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, तो हमने आपसे बोला कि हमारे मन में था कि हम आपसे दोस्ती करना चाहें, ये चीज हमने आप तक पहुंचाई कि हम आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, तो क्या ये फ्रेंडशिप करने का, यहां भी तो विलिंगनेस एक व्यक्ति अपनी पहुंचा रहा है दूसरे तक, तो क्या भी ये भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा आगे जाके, नहीं। यहां पे हमारा आशय पहली बात लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का है। बेलफोर बनाम बेलफोर केस में आप पढ़ सकते हैं लीगल रिलेशन क्रिएट करने का आशय कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा एसेंशियल एलिमेंट होता है। अब ये क्या हो गया, आपका प्रपोजल हो गया, जब ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति तक अपने मन की बात पहुंचाई कि वह उस पेन को बेचना चाहता है, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रपोजल। अब देखिए गेंद जो थी वो किसके पाले में डाल दी गई है, बी के। अब बी चाहे तो उस पेन को हां बोल
सकता है खरीदने के लिए और या तो वो ना बोल सकता है। अगर समझिए जो प्रपोजल जो ए ने पेन देने का प्रपोजल किया था, अगर बी ने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। बी कहता है हाँ यार मुझे भी ऐसी जरूरत थी और मैं तो बहुत दिन से ऐसा पेन ढूंढ रहा था, हाँ बिल्कुल मैं आपका पेन खरीदना चाहूंगा। जैसे ही बी ने उस पेन को एक्सेप्ट किया, ये डेफिनेशन टू बी आ यहां पे एप्लीकेबल हो जाती है और ये क्या हो जाता है, एक्सेप्टेंस बन जाता है बी के साइड से। तो ए ने क्या किया, प्रपोजल, बी ने जैसे इसको एक्सेप्ट किया वो बन गया एक्सेप्टेंस। अब देखिए एक्सेप्टेंस के बाद दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस दिया। ए प्रॉमिस क्या कर रहा है, पेन बेचने का, मतलब ये क्या कर रहा है, बेचने का और सेल करेगा। और बी प्रॉमिस क्या कर रहा है, बी यहां पे प्रॉमिस कर रहा है बाय, कि बी पेन खरीदेगा। तो ए ने जो पेन बेचने के लिए बी से बोला ये ए के साइड से प्रॉमिस, और जो बी ने खरीदने के लिए बोला ये बी के साइड से क्या हो जाएगा, प्रॉमिस हो जाएगा। तो सेक्शन 2 में 2B में एक और डेफिनेशन आती है, इसके अंतर्गत दो डेफिनेशन आती हैं, ये आती है प्रॉमिस की। अब प्रॉमिस क्या हो गया, जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे को वचन दे देते, ए ने वचन दिया कि मैं तुम्हें पेन खरीदूंगा, बी ने कहा बेचूंगा, बी ने कहा मैं तुम्हारा पेन खरीद लूंगा, यहां पर जाके ये क्या बन जाता है, ये बन जाती है प्रॉमिस। अब प्रॉमिस के लिए दो पार्टीज थी, अब एक व्यक्ति हो जाता है जिसने वचन दिया था, वचनदाता, वचन देने वाला वचनदाता, और जिसको दिया गया वो वचन ग्रहीता, मतलब प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। अब इस कंडीशन में दोनों व्यक्ति एक दूसरे के लिए प्रॉमिसर प्रॉमिसी होंगे। अब जब पेन बेचने वाली बात आ रही है, तो ए ने पेन जब बेचने के लिए बोला तो यहां वचनदाता कौन हो गया, ए, मतलब प्रॉमिसर, और प्रॉमिसी कौन हो गया, बी। और जब खरीदने वाली बात आई कि बी ने कहा कि मैं इस पेन को खरीदूंगा, इस कंडीशन में जो बी हो गया ये कौन आपका हो जाता है, ये आपका हो जाता है प्रॉमिसर, और ए कौन हो जाता है, वो बोलेगा प्रॉमिसी। तो इस एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दोनों व्यक्ति प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की भूमिका निभाते हैं। तो यहां तक तो क्या हुआ, ये दो डेफिनेशंस कवर हो गई अपनी, एक अपनी होगी प्रपोजल, दूसरी होगी अपन की प्रॉमिस, और तीसरी डेफिनेशन भी अपन कवर कर चुके हैं जो आपकी प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के संबंध में है। अब समझिए पेन बेचने की बात हो गई, पेन खरीदने की बात हो गई, क्या पेन जो बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा ये फ्री में किया जाएगा। अगर देखिए फ्री में ए पेन देता तो फिर वो क्या हो जाता, फिर वो अगर वो फ्री में देता तो वो गिफ्ट हो जाता, ना कि वो बाइंग सेलिंग होती। अब बाइंग और सेलिंग ऑफ गिफ्ट में अंतर क्या है, अब आप पूछोगे कि गिफ्ट में और बाइंग सेलिंग अंतर क्या है, तो गिफ्ट और बाइंग सेलिंग में अंतर है कंसीडरेशन का, जिसको हम बोलते हैं प्रतिफल। अब आप बोलोगे प्रतिफल क्या होता है, प्रतिफल के लिए हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अभी समझ लीजिए सीधा सीधा है जिसकी विधि की नजर में कुछ ना कुछ मूल्य हो, which has something in eyes of law, जिसका law की नजर में कोई ना कोई value होती है, उसे हम बोलते हैं consideration। अब consideration कोई कार्य को करना ना करना, किसी कार्य से दूर रहना, ये किसी भी प्रकार का consideration हो सकता है, लेकिन याद रखना पड़ेगा consideration आपका lawful होना चाहिए, जो section 23 होती है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि A ने बोला था कि जो वो पेन बेचेगा, B ने बोला था वो पेन खरीदेगा, लेकिन A ने बोला कि भैया पेन हम बेच रहे हैं, हम अपनी आपको चीज दे रहे हैं, तो अब A क्या दे रहा है, B को पेन दे रहा है। तो ये जो पेन है वो ए के साइड से कंसीडरेशन किसको हो गया, बी को। अब बी क्या देगा कंसीडरेशन के तौर पे, क्या बी भी कुछ देगा, तो ए बोलता है कि तुम हमें भी कोई कंसीडरेशन दो। अब कंसीडरेशन के तौर पे क्या बोल सकता है, वो बोल सकता है ऐसा करो तुम हमारे लिए ये काम कर दो, ये काम भी कंसीडरेशन हो सकता है। वो बोल सकता है तुम ऐसा करो कि कल तुम दिल्ली आने वाले थे, दिल्ली मत जाओ, मैं तुम्हें पेन दे देता हूं, ये भी कंसीडरेशन हो सकता है। और कंसीडरेशन ये भी हो सकता है, वो बोल सकता है बी कि ए कि आप मुझे 10 रुपए दीजिए इस पेन के, तो जो 10 रुपए हो गए ये भी कंसीडरेशन हो जाएगा। तो कंसीडरेशन का मतलब होता है जिसकी लॉ की नजर में कोई ना कोई वैल्यू होती है, वो कंसीडरेशन होता है। तो ये जो हो गया पेन के संबंध में, व्यक्ति पेन दे रहा है, दूसरा व्यक्ति 10 रुपए दे रहा है, यहीं पे आपकी 2D डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। इन डेफिनेशन को हम बाद वाली जो लेक्चर सीरीज आएंगी उसमें अलग प्रकार से पढ़ने वाले हैं, जिसको हम फुल लेंथ के रूप में पढ़ेंगे, इनमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं, ये सारी चीजें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन जो बात करती है एग्रीमेंट के बारे में। अब एग्रीमेंट क्या होता है, तो देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ था, ए ने बी को से पेन बेचने की बात की थी, बी ने खरीदने की बात की थी, ये क्या बन गया था प्रॉमिस, और प्रॉमिस में हमने क्या जोड़ दिया था, ये पैसे या कोई भी कार्य करना या ना करना कंसीडरेशन। तो जैसे ही हम क्या करते हैं प्रॉमिस में कोई वचन में क्या जोड़ देते हैं कंसीडरेशन, ठीक है, प्रतिफल जोड़ देते हैं। तो जैसे ही किसी वचन में कोई प्रतिफल जोड़ा जाता है तो ये क्या बन जाता है एग्रीमेंट। तो आपसे कोई पूछे एग्रीमेंट क्या होता है, तो एग्रीमेंट प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन बिकम्स एन एग्रीमेंट, मतलब कोई वचन और प्रतिफल मिलके ही कोई करार बनते हैं। अब देखिए कोई एग्रीमेंट बन गया, अब एग्रीमेंट के साथ काफी सारी स्थिति आती है, हम इस एग्रीमेंट को ऊपर लिख देते हैं या फिर नीचे आपको फिर बहुत सारी चीजें बताते हैं। ये एग्रीमेंट बन गया था, देखिए एग्रीमेंट यहां पर बन गया,
अब एग्रीमेंट बनने के बाद आप देखिएगा कि एग्रीमेंट बनने के बाद डेफिनेशन, अब इसको छोड़ दीजिए, इसको डेफिनेशन को छोड़ दीजिए, बाद में बताते हैं। एग्रीमेंट के बाद क्या है, वॉइड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्रीमेंट के साथ दो स्थिति हो सकती है, या तो एग्रीमेंट जो किया गया है वो करना पॉसिबल होगा या वो लॉफुल होगा। अब देखिए, कोई ऐसी चीज का एग्रीमेंट कर रहा है जो हो ही नहीं सकता। समझिए, एक लड़की जो मर चुकी है, उस मरी हुई लड़की से शादी करने का एग्रीमेंट किया गया, या कोई जो एग्रीमेंट किया जा रहा है वो सेक्शन 24 से लेके 30 के बीच में आ रहा है। इस प्रकार का इम्पॉसिबिलिटी को लेके कोई एग्रीमेंट किया गया कि जो चीज इम्पॉसिबल है उस चीज को लेके एग्रीमेंट किया गया। तो अब सीधा सीधा है कि एग्रीमेंट के साथ दो स्थितियां होने वाली हैं। अगर एग्रीमेंट लॉफुल है, अगर लॉफुल है या उसको किया जा सकता है, लॉफुल है या उसको परफॉर्म किया जा सकता है, परफॉर्म किया जा सकता है मतलब लॉफुल है। और दूसरी कंडीशन आएगी कि एग्रीमेंट आपका कैसा है, अनलॉफुल है, मतलब अनलॉफुल का मतलब उसको पूरा ही नहीं किया जा सकता या लॉ उसको करने से मना किया जा सकता है। तो अगर एग्रीमेंट आपका लॉफुल होता है, तो इफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल देन इट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है हम आपको बता देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बोलता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस इसेंशियल एलिमेंट, ई स्क्वायर लिख लीजिए आप, ई डबल स्क्वायर, इसेंशियल एलिमेंट। इसेंशियल एलिमेंट आपको कहाँ बताए गए हैं, मोस्टली इसेंशियल एलिमेंट आपको सेक्शन 10 में बताए गए हैं, ये सेक्शन 10, और भी बहुत सारे होते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में प्रिंसिपल्स बताए थे, वो चीज़ आपको याद रखनी है। कोई एग्रीमेंट होता है प्रिंसिपल्स प्लस उसमें इसेंशियल एलिमेंट होते हैं, तो वो क्या बन जाती है, कॉन्ट्रैक्ट। और ये इसेंशियल एलिमेंट क्या है, यही वो चीज़ें हैं जो किसी चीज़ को लॉफुल या अनलॉफुल बनाती हैं। अगर कोई एग्रीमेंट लॉफुल था तो वो क्या बन जाएगा, वो 2H में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और अगर कोई एग्रीमेंट अनलॉफुल था, मतलब उसको किया नहीं जा सकता, अभी हमने आपको एग्जांपल बताया, जैसे हमने एग्जांपल आपको 24 से लेके 30 के एग्जांपल बताए, एक मृत लड़की का बताया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स अपन समय समय पर एग्जांपल्स देखते रहेंगे। तो अगर कोई एग्रीमेंट किया जा सकता है जो अनलॉफुल है, मतलब जिसको अनलॉफुल बोला गया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाता है। अब बहुत से लोग क्या होते हैं, वॉइड और वॉइडेबल में भी फर्क नहीं समझ पाते। तो void और voidable में जो फर्क है, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो तो लेके आएंगे ही आएंगे, फिर भी हम आपको चीजें बता देती। void एक ऐसी चीज होती है जिसकी लॉ की नजर में जिसकी वैल्यू जीरो होती है, मतलब वो इनिशियली या तो उसको किया नहीं जा सकता था, या बाद में कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी आ गई कि वो लॉ उसको मान्यता नहीं दे रहा कि आप उसको आगे लेकर आओ, तो वो चीज होती है जीरो, जिसकी लॉ की नजर में या तो पहले कोई वैल्यू नहीं थी या बाद में कोई वैल्यू नहीं रह जाती। लेकिन voidable एग्रीमेंट ऐसे होते जब एक पार्टी उसको या तो लागू करा सकती है या नहीं करा सकती, मतलब लॉ की नजर में उसकी वैल्यू है। अब voidable एग्रीमेंट है या voidable कॉन्ट्रैक्ट है आपका, तो वो जब तक लागू रहेगा जो जब तक वो व्यक्ति जो व्यथित था, मतलब जिसके साथ गलत किया गया था, वो आवाज नहीं उठाता, वो कहता चलो यार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमें तो फायदा हो रहा ना, हमारे साथ फ्रॉड हुआ लेकिन फिर भी हम काफी अच्छी रकम इस कॉन्ट्रैक्ट से कमा रहे, क्यों हम इस कॉन्ट्रैक्ट को खराब करें। तो उस कंडीशन में voidable कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, बना रह सकता है, लेकिन void कॉन्ट्रैक्ट की दशा में नहीं होती, void आपका खत्म हो जाता है, क्योंकि उसकी लॉ की नजर में कोई वैल्यू नहीं रहती। तो एग्रीमेंट के साथ हमने दो चीजें देखी, अगर एग्रीमेंट लॉफुल था तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और एग्रीमेंट अगर अनलॉफुल था तो वो वॉइड एग्रीमेंट बन गया। अब देखिए, यहां पे अपन ने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट और ये चीजें, अब कॉन्ट्रैक्ट अगर बन गया, ये चीज तो यहीं पे खत्म हो गई जब वॉइड एग्रीमेंट हो गया, तो इसके बाद कोई स्थिति आपकी आगे बनती नहीं है, क्यों, क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट हो गया, इसके बाद कुछ हो गई नहीं। लेकिन समझिए, कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट बन गई, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो क्या वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट तक प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, नहीं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन बाद में कोई सब्सिक्वेंट कंडीशंस ऐसी भी आ सकती हैं कि एक बार कोई कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद भी वो वॉइड या वॉइडेबल हो जाए, वॉइड और वॉइडेबल बताया था। अब देखिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, वॉइडेबल भी हो सकता है। void कॉन्ट्रैक्ट कहां बताया गया है, 2J में, और voidable कॉन्ट्रैक्ट कहां बताया गया है, 2I में। अब सबसे पहले हम देखते हैं voidable कॉन्ट्रैक्ट। समझिए, हमने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, इस कॉन्ट्रैक्ट में जब हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो हमने जो चीजें आपको बताई थी कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें हमने आपके साथ फ्रॉड किया, हमने आपके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन किया, हमने आपको डराया धमकाया, हमने कहा कि हम आपको पेन बेचना चाहते हैं, पेन का एग्जांपल मान लीजिए, आप हमने कहा ये 1000 रुपये का पेन है, आप कहते हैं ये तो बड़ा महंगा पेन है, हम इतना महंगा पेन नहीं खरीदेंगे, हमने कहा तुम्हें खरीदना पड़ेगा अदरवाइज हम तुम्हें हाथ पांव तोड़ देंगे, हम तुम्हें हर्ट कर देंगे,
हम तुम्हें ग्रीवियस हर्ट कर देंगे, तुम डर गए, आप डर गए या हम डर गए, कोई व्यक्ति डर के उसने बोल दिया कि हाँ हाँ हम तो भैया खरीदने को तैयार है, क्योंकि जान सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन में जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया क्योंकि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई, व्यक्ति ने अपनी क्या दी थी, कंसेंट, लेकिन कंसेंट तो थी, फ्री कंसेंट नहीं थी। अब अगर फ्री कंसेंट नहीं थी तो वो व्यक्ति बाद में उसको क्या करा सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करा सकता है, क्योंकि जो एग्री पर्सन होता है जब उसके विकल्प पर कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, चाहे तो वह लागू कर सकता है चाहे नहीं कर सकता, इसी को हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के मेनली प्रिंसिपल्स आपको मिलते हैं सेक्शन ऑफ 15, 16, 17, 18, ये आप सेक्शंस पढ़ते हैं, यहाँ पे ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स, आप सेक्शन 39 में भी जा सकते हैं, और बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की आपकी बात करते हैं। तो वॉइडेबल होता है पहले ठीक था, बाद में दिक्कत आती। दूसरी चीज आती है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक चीज कॉन्ट्रैक्ट बन चुकी थी। अब देखिएगा एक और एग्जांपल बाद में बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, अब बनने के बाद कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। अब समझिए, हमने किसी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद हमने एक व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो कोई अन्य देश का था, और दोनों देशों के बीच में वॉर छिड़ गया। सेक्शन 56 बोलती है, आपको 56 का क्लॉज 2 पढ़ना पड़ेगा, जो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की बात करती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया और किसी भी प्रकार की सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है, अगर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ गई, बाद में उसका परफॉर्मेंस करना हो ही नहीं सकता, उसका बाद में परफॉर्मेंस किसी कारणवश, जो सेक्शन 56 में बताए गए हैं और भी बहुत सारी जगह बताए गए हैं, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का जिसका पहले परफॉर्मेंस हो सकता था, अब उसका परफॉर्मेंस बाद में नहीं हो सकता, इस कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब एक बेसिक डिफरेंस देखिएगा, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, समझिए। एक लड़की जिससे आज की डेट मान लीजिए, आज की डेट समझ लीजिए, आज की डेट 21 है, आज 21 तारीख है, आज एक लड़की की एंगेजमेंट के लिए बात की गई है, उसकी शादी करेंगे, उसके पेरेंट्स आए और उसने बोला कि लॉकडाउन जैसे खुलेगा हम इसका क्या कर देंगे, रिश्ता कर देंगे, और लड़की भी एग्री है, ठीक है, लड़की की भी बात मान ली गई। अब दो लोगों ने क्या कर लिया, ए और बी ने ऐसे एग्रीमेंट कर लिया कि ये दोनों के पेरेंट्स हैं कि 21 तारीख है, अब अगली जो भी जिस तारीख को लॉकडाउन खुलेगा, दोनों की क्या कर देंगे, लड़के और लड़की की मैरिज कर देंगे, क्योंकि लड़के लड़की दोनों क्या हैं, बालिग हैं, दोनों मेजर हैं। चलिए ये चीज़ बात हो गई। अब समझिए पता क्या चला, जिस दिन 21 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, जिस दिन लड़की और लड़के की शादी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, लड़की मृत थी, मतलब लड़की इसके 10 दिन पहले ही मर चुकी थी। हो सकता है पिता को जानकारी ना हो किसी कारणवश। अगर जिसकी शादी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 21 तारीख को, लेकिन वो 21 तारीख के पहले मर चुकी थी, मतलब सब्जेक्ट मैटर तो पहले से ही नहीं था, जिसकी शादी होनी वो पहले से ही नहीं थी, इस कंडीशन में ये क्या होता है आपका वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट जो किया जा रहा है वही वॉइड है, क्योंकि जिस चीज को लेकर एग्रीमेंट किया जा रहा है वो चीज हो ही नहीं सकती थी परफॉर्मेंस। लेकिन समझिए लड़की थी 21 तारीख को, इसी एग्जांपल से समझते हैं, 21 तारीख को लड़की जीवित थी, लेकिन अगली 10 दिन बाद, कोई भी आप मान लीजिए 31 मई मान लीजिए, 31 मई को लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है और लड़की मर जाती है, शादी की अभी डेट नहीं आई, शादी अभी लॉकडाउन नहीं खुला, शादी होनी थी लगभग समझ लीजिए आप अगस्त के आसपास शादी होनी थी, लेकिन जिस समय एग्रीमेंट किया गया था उस समय तो लड़की मौजूद थी, लेकिन बाद में ऐसी कंडीशन आती है कि लड़की नहीं रह गई। तो अब अगर वो एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट लॉफुल था, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का भी परफॉर्मेंस बाकी था। अगर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस अब पॉसिबल ना हो पाए, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बाद में भी क्या हो सकता है, वो आपका वॉइड हो सकता है। तो अगर बाद में कोई आ रही है कोई कंडीशन, तो वो अब इसके संबंध में अपन नॉर्मली कौन सी देखते हैं, सेक्शन 56 का क्लॉज 1 बोलता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, अगर पहले से ही नहीं हो सकता था, अगर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी होती है तो वॉइड एग्रीमेंट होता है, और अगर सब्सिक्वेंट मतलब बाद में कोई इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है तो 56 का क्लॉज 2 होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी बोलते हैं, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, और अगर बाद में पूरा नहीं हो सकता तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है। तो ये तो सारी डेफिनेशन थी, डेफिनेशन छोड़ गई रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस वो होता है जब एक दूसरे को प्रॉमिस देते हैं, जैसे यहां पे ए बेचने का प्रॉमिस दे रहा है बी खरीदने का, जैसे हमने बोला हमें अपना घर बनवाना, हमने व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट किया कि यार हमने अपना घर बनवाना चाहते हैं, तो हमने बोला कि हम तुम हमारा घर बनाओगे, हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे, वो कहता है कि ठीक है हम आपका घर
50 दिन के अंदर बना के दे देंगे। तो हमने उसको क्या प्रॉमिस दिया, 1 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया। उसने हमें क्या प्रॉमिस किया कि वो 50 दिन में हमारा घर बना देगा। जब एक दूसरे के लिए वचन होते हैं दोनों पार्टीज, यहाँ ए बी को वचन दे रहा है, बी ए को दे रहा है, और दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल आपने शब्द सुना होगा, जब मैथ्स अपन पढ़ते थे वहां पर रेसिप्रोकल्स आते थे तो उसको उल्टा करना होता था, तो जब एक दूसरे के लिए होता है ना उसको हम बोलते हैं। तो ये सारी डेफिनेशंस थी। ये डेफिनेशन अभी हमने किस माध्यम से पढ़ी है, ये चार्ट के माध्यम से पढ़ा, हो सकता है आपको समझ में आई हो, और अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, इन डेफिनेशन को हम यहीं पर नहीं छोड़ने वाले हैं, इन डेफिनेशंस को एक एक पार्ट, जैसे हम प्रपोजल एक्सेप्टेंस उठाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम आपको विद वर्ड्स एक एक वर्ड्स के थ्रू बताएंगे प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल के काइंड्स, और कौन कौन से वो केसेस हैं प्रपोजल में, मेन केसेस कौन कौन से हैं, और वो केसेस क्या बात करते हैं, फिर हम इनको बड़े डिस्क्रिप्टिव रूप में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज हमने इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ा कि जो पहली बार भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा हो उसे चीजें समझ में आ जाए कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, जैसे आप हमें रिस्पॉन्स हमेशा देते हैं वैसे रिस्पॉन्स देते रहिए। हम आपके लिए समय समय पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे, और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।